जस्ट इन द कार कहां से आते मैं यूएसए से आई यूएसए में कहां से सिएटल से सिएटल में कहां पे बोतल से ओके सो जब आए थे तो क्रिएटिनिन कितना था आपका 4.4 के आसपास ठीक है और अभी कितना है अभी कम है टेस्ट कहां से कराया आपने मैंने नंदा से करवाया ठीक है डॉक्टर नंदा से पर मेरे को काफी रिलीफ मिला रिलीफ है शुगर के लिए अभी शुगर अभी कंट्रोल है लो जा रही है हो रही है शुगर अगर मैं इंग्लिश दवाई जो है टैबलेट एक टाइम इंजेक्शन मैं अभी नहीं दो दिन से ले रही हूँ अच्छा इंजेक्शन बंद कर दिया है ठीक है तब भी शुगर लो जा रही है वो जो टैबलेट खाने से शुगर तब भी कंट्रोल है लो ही हो रही है पहले शुगर इनको लंबे टाइम से कब से थी शुगर आपको मेरे को 20 साल से 20 साल से शुगर थी ठीक है ठीक है बाकी जैसे डाइट आपको बताई थी वो फॉलो कर रहे हैं आप हाँ कितना टाइम पहले आपने टेस्ट कराया था और ये टेस्ट कहाँ से कराया था जो फोर क्या था आपको यूएसए में कहाँ से कराया था सिएटल से कौन सा हॉस्पिटल से कराया था ओके डॉक्टर था अच्छा वहाँ पे ठीक है तो अभी जो कराया है दोनों से कराया है ठीक है ये इन्होंने टेस्ट कराया है 22/5/2018 की ये रिपोर्ट है और इसके अंदर जो इनका क्रिएटिनिन है वो 1.49 के आसपास आ चुका है 1.49 और यूरिया जो है वो नॉर्मल हो चुका है 42 के आसपास आ चुका है यूरिया इज कम्प्लीटली नॉर्मल और क्रिएटिनिन जो है वो 1.49 हो चुका है अर्लियर द पेशेंट हैड डन अ टेस्ट इन सिएटल यूएसए में करा था इन्होंने एंड एट दैट टाइम द क्रिएटिनिन लेवल वाज अबाउट 4 तो ये धीरे धीरे करके इनका रिड्यूस हुआ और आज की डेट में इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया है और अभी जो क्रिएटिनिन है वो 1.49 वेरी नियर टू द नॉर्मल रेंज यूरिया इज वेल अंडर कंट्रोल एक इन्होंने और भी जगह से टेस्ट कराया जस्ट टू रिकन्फर्म द डायग्नोसिस क्योंकि ऑल्दो इनका 4 से नॉर्मल की रेंज में आ गया तो इसके अंदर भी जो इनका क्रिएटिनिन आया 1.7 और 47.2 ये नंदा डायग्नोस्टिक से इन्होंने कराया है यूरिया क्रिएटिनिन इसमें भी मेजरली रिड्यूस हुआ अर्लियर द क्रिएटिनिन वॉज इंक्रीज कर रहा था और शुगर लेवल शुगर 20 साल से है 20 ईयर्स से आप शुगर से सफर कर रहे हैं अभी शुगर भी जो है इनकी वो नॉर्मल हो चुकी है और इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं है अभी फिलहाल नहीं इंसुलिन 3 टाइम लेते थे 3 टाइम्स लेते थे कितने दो इंसुलिन अच्छा कितने यूनिट्स बहुत पहले 40 यूनिट 40 यूनिट्स लेते थे एक जो मतलब 1 टाइम लेती थी 40 यूनिट दूसरा 15-18 अच्छा 3 टाइम्स लेते थे मतलब एक बारी 40 लिया एक बारी 15 और एक बार 18 ऐसे करके लेते थे एक इंसुलिन दो इंसुलिन चल रहे थे ठीक है दो इंजेक्शन एक 24 घंटे में एक बार लेती थी 40 यूनिट ठीक है और जो दूसरा था 3 टाइम जैसे ब्रेकफास्ट से पहले लंच से पहले और डिनर से पहले ठीक है अब वो सारे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हाँ अभी 4-5 दिन से बिल्कुल नहीं ले रहे बिल्कुल नहीं ले रहे हैं शुगर भी शुगर कंट्रोल आ रही रात तो लो हो गई थी इंसुलिन पे डिपेंडेंसी थी और ये कितने टाइम से आप ले रहे थे इंसुलिन 20 साल हमने नहीं 20 साल से इंसुलिन नहीं इंसुलिन ले रही हूँ 4-5 साल हो गए चार पाँच साल आप बेटे हैं मेरा छोटा बेटा वो बड़ा बेटा तो 20 साल से शुगर है और 5 साल से इंसुलिन पे डिपेंडेंसी थी 20 यूनिट एक बार 15 यूनिट एक बार और 18 यूनिट एक बार 50-60 यूनिट एक दिन में ले रहे थे इंसुलिन के और पिछले 4-5 दिन से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है द शुगर इज आल्सो वेल अंडर कंट्रोल सो दिस वे आज एक और पेशेंट जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रही थी जिनकी प्रॉब्लम आज उनका भी रिड्यूस हुआ है और क्रिएटिनिन यूरिया लेवल्स पर भी रिडक्शन आई है ना केवल क्रिएटिनिन यूरिया में बाकी सारे सिम्टोमेटिक भी इम्प्रूवमेंट्स हैं यूरेमिक सिम्टम्स जिसे कहा जाता है वो भी सारे सब्साइडेड हैं एंड चेंजेस विजिबल हुए दिस पेशेंट इज फ्रॉम यूएसए सिएटल एंड इनको जो चेंजेस विजिबल हुए उस रिपोर्ट्स के अंदर हैं और उन्होंने रिकन्फर्म भी कराया है डायग्नोसिस कि जो क्रिएटिनिन रिड्यूस हुआ है इनको एक और लैब से भी इन्होंने रीवेरीफाई भी कराया है तो ना केवल किडनी के अंदर बल्कि डायबिटीज के अंदर जो 20 साल पुरानी हो चुकी थी 20 ईयर्स ओल्ड प्रॉब्लम हो चुकी थी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स हैं
और इंसुलिन के साथ साथ क्रेटिनाइन भी नॉर्मल, यूरिया नॉर्मल की रेंज में आ चुका है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी मोर और लेस नॉर्मल है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी सारे नॉर्मल है। डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट है और ये इन्होंने कराई है 22 मई 2018 को। इस तरीके से आज एक और पेशेंट जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रही थी जिनकी प्रॉब्लम, वो रिड्यूस हुई और वो डिक्रीज हुई, स्टॉप किडनी डायलिसिस। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।